लाडो ऊपर ने देख, आंखें तो खोल छोड़ी लाडो। अब जब तक तारा ऑपरेशन ना हो जाता तने घर पर ही रहना है और बिल्कुल संभल कर रहना है। ना तू घर से बाहर जाएगी, ना नाचेगी, ना कूदेगी, ना गाएगी और ना ही बाहर का खाना खाएगी। लाडो मैं तने कुछ समझा रहा हूं बेटा, ये कोई छोटा ऑपरेशन ना है बेटा, इसलिए अभी जितना आराम करेगी ऑपरेशन के बाद उतनी ही जल्दी ठीक हो जाएगी। मैं तने कुछ समझा रहा हूँ और तने मजाक सोच रहा है। बाबू साहब मैं कल से एक ही बात समझा रही हूँ, मैं समझ गई, पक्का मैं अपना ध्यान रखूंगी। ऐसे रखेगी तो अपना ध्यान है, मैंने पता है तारे पाँव में भवरी है, भवरी यहाँ वहां डोलती फिरेगी, इसीलिए मैंने तेरी माँ और जीजी को यहाँ बुला लिया, तारे ऑपरेशन से पहले आ जाएंगी। सच? लाडो सच? यादा सच कह रहे हो? माँ यहाँ आ रही है। लाडो ऐसे रखेगी तो अपना ध्यान। आई जी और जीजी आ रही थी, काफी कुछ समझ आएगा। हाँ हाँ हाँ, और घड़ी मजा भी आवेगी, कितने दिनों बाद सब साथ में जो होंगे। और ये चौल वालों के दिमाग में हम लोगों को लेकर जो सवाल है वो भी खत्म हो जाएगा, और तब तक बहना की आंखें भी ठीक हो जाएगी और उस पर सब ठीक हो जाएगा। ऐसा सारी सारी मैं ठीक तो ठीक कैसे होगा, इतनी जोर से ये गेंद लगी है हमारे सर पर, एक और गेंद बन गई है। ताऊजी तने मना किया ना खेलने को, फिर भी तू। भाई साहब बाबू साहब मैंने बाहर जाने से मना किया है, क्रिकेट खेलने से नहीं, और वैसे भी चाहिए तो मारे बैट और बॉल लाया ना, तो अब मैं क्या करूँ? हाँ हाँ प्रैक्टिस करके तो सबके नाक मुंह तोड़ दे, किसी को छोड़ मत तू, कितनी जोर से मार रहा है। माफ करना भाई साहब, वैसे तो ये सब छोड़ो, मैंने तो एक बात बताओ, वो प्लेयर्स की लिस्ट आ गई क्या? वो पूरा पैक हो गया कि अभी मरनी चैन से? वही देख रहा था जितने में तूने गेंद मार के हमारा पूरा सिस्टम हिला था। रुक दो मिनट, थारा तो पूरा पूरा चांस है ना, 10 खिलाड़ी चुने इन लोग हैं, 6 खिलाड़ी अभी भी बाकी है जिनके ट्रायल अगले महीने की 16 तारीख को होने वाले हैं, और इसका रजिस्ट्रेशन अभी भी चालू है। तो जाओ ना भाई साहब, मैं ये मौका बिल्कुल लगा सकती हूं। अरे 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 रजिस्ट्रेशन बंद होने में अभी टाइम है, लेकिन फिर भी कल सुबह जाके मैं एकेडमी में थारा नाम लिखवा दूंगा, बस खुश। निहार का चौकसी ने वॉचिंग में टेली रिपोर्टर, तो फालतू इस वक्त बहुत खुश है क्योंकि उसकी उसकी आंखों का ऑपरेशन होने वाला है, एंड उसके घर पे भी सब बहुत खुश है क्योंकि फाइनली अब फालतू की आंखें शायद वापस आ सकती है, एक उम्मीद की लहर आई है। अब देखते हैं इसके पीछे पीछे किसी की साजिश है कि सच में ही फालतू की आंखें ठीक हो जाएंगी, तो आपको एपिसोड्स में देखना पड़ेगा। तो अभी तो ऑब्वियसली अयान को बहुत टाइम तक नहीं पता लगने वाला है, पर कैसे पता लगेगा ये तो मुझे भी नहीं पता, एपिसोड में देखें। तो आगे बहुत सारे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं क्योंकि अब तनीषा को पता चल गया है कि फालतू की शादी हो चुकी है अयान से, तो वो हर वो पॉसिबल यू नो कोशिश करेगी कि वो दोनों एक ना हो पाए। अब देखते हैं फयान इसे कैसे ओवरकम करते हैं एंड कैसे रियूनाइट होते हैं।